بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। होकर रहने वाली क्या है वो होकर रहने वाली, और तुम क्या जानो कि वो क्या है होकर रहने वाली। समूद और आद ने उस अचानक टूट पड़ने वाली आफत को झुठलाया तो समूद एक प्रचंड घटना से तबाह किए गए और आद एक बड़ी तेज तूफानी आंधी से तबाह किए गए। अल्लाह ने उसको निरंतर 7 रात और 8 दिन उन पर लगाए रखा। तुम वहां होते तो देखते कि वे वहां इस तरह पछड़े हुए हैं जैसे वे खजूर के जीर्ण तने हों। अब क्या उनमें से कोई तुम्हें बाकी बचा दिखाई देता है। فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية। और इसी बड़ी खता का अपराध फिरौन और उससे पहले के लोगों ने और तलपट हो जाने वाली बस्तियों ने किया। उन सब ने अपने रब के रसूल की बात न मानी तो उसने उनको बड़ी सख्ती के साथ पकड़ा। जब पानी का तूफान हद से गुजर गया तो हमने तुमको नाव में सवार कर दिया था ताकि इस घटना को तुम्हारे लिए एक शिक्षाप्रद यादगार बना दें, और याद रखने वाले कान इसकी याद सुरक्षित रखें। فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية। फिर जब एक बार सूर में फूंक मार दी जाएगी और जमीन और पहाड़ों को उठाकर एक ही चोट में चूरा चूरा कर दिया जाएगा, उस दिन वो होने वाली घटना घटित हो जाएगी। उस दिन आसमान फटेगा और उसकी बंदिश ढीली पड़ जाएगी। फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे और 8 फरिश्ते उस दिन तेरे रब का सिंहासन अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। वो दिन होगा जब तुम लोग पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई रहस्य भी छिपा न रह जाएगा। فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه। उस समय जिसका कर्म पत्र उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा, लो देखो पढ़ो मेरा कर्म पत्र।
मैं समझता था कि मुझे जरूर अपना हिसाब मिलने वाला है, अतः वो मनचाहे ऐश में होगा, उच्च स्थान जन्नत में, जिसके फलों के गुच्छे झुके पड़ रहे होंगे। ऐसे लोगों से कहा जाएगा, मजे से खाओ और पियो अपने उन कर्मों के बदले जो तुमने बीते हुए दिनों में किए हैं। और जिसका कर्म पत्र उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा, काश मेरा कर्म पत्र मुझे न दिया गया होता, और मैं न जानता कि मेरा हिसाब क्या है। या लैतहा कानतिल काज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया मा अग़ना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون। काश मेरी वही मौत जो दुनिया में आई थी निर्णायक होती। आज मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, मेरा सारा प्रभुत्व समाप्त हो गया। आदेश होगा, पकड़ो इसे और इसकी गर्दन में तौक डाल दो, फिर इसे जहन्नम में झोंक दो, फिर इसको 70 हाथ लंबी जंजीर में जकड़ दो। ये न महिमावान अल्लाह पर ईमान लाता था और न मोहताज को खाना खिलाने पर उभारता था, अतः आज न यहाँ इसका कोई हमदर्द मित्र है और न घावों के धुवन के सिवा इसके लिए कोई भोजन, जिसे अपराधियों के सिवा कोई नहीं खाता। فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين। अतः नहीं, मैं कसम खाता हूँ उन चीजों की भी जो तुम देखते हो और उनकी भी जिन्हें तुम नहीं देखते। ये एक प्रतिष्ठित रसूल का कथन है, किसी कवि का कथन नहीं है। तुम लोग थोड़ा ही ईमान लाते हो, और न ये किसी काहिन का कथन है। तुम लोग थोड़ा ही विचार करते हो। ये सारी दुनिया के रब की ओर से अवतरित हुआ है, और अगर इस नबी ने खुद गढ़कर कोई बात हमसे जोड़ी होती तो हम इसका दायां हाथ पकड़ लेते। وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ। और इसकी गर्दन की रग काट डालते, फिर तुम में से कोई हमें इस काम से रोकने वाला न होता। वास्तव में ये परहेजगारों के लिए एक नसीहत है, और हम जानते हैं कि तुम में से कुछ लोग झुठलाने वाले हैं। ऐसे इनकार करने वालों के लिए यकीनन ये पछतावे का कारण है, और ये बिल्कुल विश्वसनीय सत्य है। अतः ए नबी, अपने महिमावान रब के नाम की तस्बीह यानी गुणगान करो।